Hi everyone, today we are discussing about ACC 125 August 2021 paper 2 current and general awareness test CGAT. जी हाँ, तो जो ACC 125 का सेकेंड डे का पेपर जो कि 3 अगस्त 2021 को हुआ है उसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगी कि जीके का पेपर कैसे आता है और कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन रहते हैं, एक आइडिया आपको मिल जाएगा अगर आप नेक्स्ट कभी देने जा रहे हैं तो आपको एक हेल्प हो जाएगी। और प्लस जो अभी ACC 125 को अपीयर करके आए हैं उनके लिए क्वेश्चन टिक मार्क करने का एक अवसर हो जाएगा। तो सेम एज इट इज अबाउट जीमैट के पेपर की तरह, टाइम 3 घंटा दिया हुआ है और मैक्सिमम मार्क 300 है। 150 क्वेश्चन रहेंगे और सब क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस करना है, ओमेर शीट पे उसको टिक करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स करता है और क्वेश्चन पेपर में कोई भी चीज एक्सेप्ट इंडेक्स नंबर नहीं लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग को और आपको बताता हूँ किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जीके के, स्टैटिक जीके प्लस आपका करंट जीके सब मिक्सअप रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स सब के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट इस पूरी वीडियो को। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में कौन सी अपनी स्टेट जो बाउंड्री शेयर नहीं करती है, मणिपुर। हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। व्हाट डज अशोका व्हील रिप्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग, वो है व्हील ऑफ टाइम। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया रेडियो रीनेम एज आकाशवाणी, 1957। इन विच स्टेट आर द गैरो, खासी एंड जयंतिया हिल्स लोकेटेड, मेघालय। द ललित कला अकेडमी इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ दीज, तो फाइन आर्ट्स है इसका आंसर। विच कंट्री इन इंडिया कंज्यूम्स द मैक्सिमम वाटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑन वट बेसिस वे आर स्टेट्स रिओर्गनाइज इन 1956, तो इसका आंसर है लैंग्वेज के आधार पर। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है ACC 125 का, जीके का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, असम राइफल। द कृष्णा गोदावरी बेसिन हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ विच रिसोर्स, नेचुरल गैस। हु आर द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ली। सेंकुकू आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड एंड क्लेम्ड बाय बोथ चाइना एंड विच अदर कंट्री, जापान। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंड अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, USA। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, हिंदी नहीं है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नील। इन 2020 व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 63rd। मैन काम्फ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ दिस, एडॉल्फ हिटलर। द फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर इज अ क्रिएशन ऑफ लियोनार्डो डी विंची। हु वाज द फर्स्ट सेलर टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब, मैगेलन। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद। नेक्स्ट, द गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट इन इंडिया डज नॉट कनेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज, लखनऊ। द नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन रिलेटेड टू विच एनिमल अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, डॉल्फिन। विच स्टेट हैज रेज द वर्किंग डेज अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 to 150 days, उत्तराखंड। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट लैंड, उड़ीसा। नमस्ते इज द पोर्टल ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। विच आर द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी, इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप। द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा रेस्ट विद प्रेसिडेंट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर आर्टिकल 17। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इकोनॉमिक्स सर्वे इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पॉलिटिक्स के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हमने पहले देखा स्टैटिक जीके था, अब ये पॉलिटिक्स के स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, दैट इज चाइना। द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नॉट नेशनल इंस्टीट्यूट, इट्स नेशनल इंस्टीट्यूशन। द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट वॉशिंगटन। टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, दैट इज मास पॉवर्टी। हु अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो जो कर्जदार होते हैं वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं। द फाइनेंशियल ईयर इज इंडियाज फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च। हु इन्वेंटेड द माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर। तो ये जो क्वेश्चन ये वाले हैं ये इकोनॉमिक्स के हैं, 33 से लेके ये 39-40 तक जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज कॉल्ड मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ फ्यूचर कौन सा है, टाइटेनियम। द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। विच अमॉन्ग दीज अ कमर्शियल आर्म्स ऑफ इसरो, अंतरिक्ष। हु अमॉन्ग द फर्स्ट टू डिस्कवर सन स्पॉट, गैलीलियो। हु डिस्कवर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फैराडे। विच ब्लड वेसल कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, पर्मली वेन्स। पर्मली आर्टी हार्ट टू लंग्स करती है बट पर्मली वेन्स लंग्स टू हार्ट करती है। सोप्स क्लीन सर्फेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सर्फेस टेंशन। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हॉर्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट्स। द टर्म व्हाइट कोल इज समटाइम रेफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, वुड का बोलते हैं इसको। 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल टू टेक प्लेस, कतर में। अब हो गया स्पोर्ट्स के क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 51 से। द मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक, मस्कट जो उसका सिंबल होता है वो है मेरा तोवा। डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच गेम, टेनिस में डबल गेम मतलब डबल फॉल्ट का रहता है इसमें। इन विच इवेंट डिड
राजावर्धन सिंह राठौर अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी विन सिल्वर मेडल शूटिंग इन 2004 समर ओलंपिक्स, वो तो उन्होंने डबल ट्रैप में किया था उनका इवेंट ही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बैडमिंटन प्लेयर, सोमदेव बर्मन, ये जो लॉन टेनिस के प्लेयर हैं, बाकी सब बैडमिंटन प्लेयर है। विच आर द फॉलोइंग ट्रॉफी इज रिलेटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल से मेरा द कप है। हु अमंग द कैप्टन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल, तो ये सुनील छेत्री जी हैं। अपने 100 मीटर्स हुसैन बोल्ट ने कितने में मारी है, 9.58, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज वॉन, सिर्फ एक ही टाइम जो स्टार्टिंग कर रहा है। इकाबाना इज जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर के अरेंजमेंट के लिए होता है। हु हैज रिटन द प्ले मर्चेंट ऑफ विनिस, तो विलियम शेक्सपियर ने किया। यहाँ 60 तक तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहे, उसके बाद जो आर्ट और कल्चर के हैं उससे स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। पबालो पिकासो बिलोंग टू विच कंट्री, स्पेन से बिलोंग करते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टार्टेड इन 1954 में स्टार्ट हुए थे। हु वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर इन ऑस्कर 2000, नोमन लैंड ने ये विन किया था। शकुंतला इज द फेमस पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ संची स्तूपा ब्राह्मणी लैंग्वेज में हुआ है। हु बिल्ट खुजराव टेंपल, एमपी में है। चंदेलास ने अपने 1600 में स्टार्ट किया था। हु हैज डन द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो चार्ल्स विकिंस ने इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया था। वर्ड सत्य में ज्योतिष टेकन फ्रॉम मुंडा का उपनिषद। इंडिया साइंड यूएसए 5.4 बिलियन, जो S-400 है किसके साथ आ रही है, इंडिया और रशिया के साथ। वट काइंड ऑफ वेपन सिस्टम इज पिनाका, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर है। वेर इज दौलत बैग ओलिक्स एयर स्ट्रिप लोकेटेड, अभी जो लद्दाख का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ, वो इसकी इसी एयर स्ट्रिप की वजह से हुआ था। रफेल जो है वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 3.5 जनरेशन अभी हम यूज करें, उसे हाईर वर्जन में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडियन मेड टैंक, तो अर्जुन इंडियन मेड टैंक है। ये जो अभी स्टार्ट हो गए हैं मिलिट्री वाले, ये 71 से जो स्टार्ट हो गए मिलिट्री वाले जो होते हैं, जो डिफेंस रिलेटेड होते हैं, उसे है। डिवाइडिंग ऑफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जिसको बोल देते हैं। प्रोजेक्ट 75 ऑफ इंडियन नेवी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सबमरीन्स है। ये मैं सेट ए डिस्कस कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है वो सेम ऐसी रहेगी, डिफेंस के हैं क्या कैसे क्या है, तो एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड, क्वाड मेंबर में चाइना नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और यूएसए आता है। द प्रेजेंट सीयूएस हेल्स फ्रॉम विच रेजिमेंट, सिखलाई आर्मी वाले कैंडिडेट को पता होगा। सेकंड लेफ्टिनेंट पीवी सिंह विच बैटल, तो बैटल ऑफ शक्करगढ़ है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड प्लैनेट, तो मार्स को बोला था। अभी 81 से स्टार्ट हो गए आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। विच ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट है जुपिटर। सबसे ज्यादा टाइड्स हाईएस्ट कब होती है, जब सन मून और अर्थ अलाइन होते हैं। ISP इज बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड एंड विच सिटी, किस सिटी से गुजरता है, अलाहाबाद, बेसिकली मिर्जापुर से गुजरता है, जो कि अलाहाबाद के आसपास है, तो यूपी में स्थित है, तो अलाहाबाद आ जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी इज क्लासिफाइड एज स्पाइरल गैलेक्सी। द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ स्टार इज सुपरनोवा में जाके डिस्पोज ऑफ होता है। हाउ मच टाइम डू सन टेक टू रीच अर्थ, तो यह है 8 मिनट्स, 8 मिनट्स लेता है। और वैसे 499 सेकंड्स का अगर आंसर होता वो भी होता, तो उसको अगर करेंगे कैलकुलेट तो 8 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं 89, विच गैलेक्सी इज विजिबल टू नेक्ड आई फ्रॉम अर्थ अदर देन मिल्की वे, तो एंड्रोमेडा का आंसर है। हू आर फ्लोइंग वाटर इज इंडियन स्पेस, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके फादर है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो द अरेबियन सी, तो नर्मदा साबरमती तापी ये सब अरेबियन सी में जाती है, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जाती है। शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्सोलेट पीरियड रिलेटिव GMT, वो +5 5.5 घंटे हैं। विच ऑफ फ्लोइंग लेटेड टू पास थ्रू द इंडिया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। श्योक इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, इंडस रिवर का। विच ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इंडियन ओशन, मेडागास्कर। द स्टेट विच सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका ब्रिंग्स स्टेट, विच ऑफ फ्लोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कर्नाटक। नाथुपालास इज लोकेटेड इन सिक्किम, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो गुजरात है उसका आंसर। द खरक्रम हाईवे कनेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, तो इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। विच ऑफ डिजीज कॉल द डेफिनेशन ऑफ, तो यहाँ से बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो एनीमिया का आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वायरल डिजीज इन्फ्लुएंजा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लाइकोजन, लीवर स्टोर करता है। विच ऑफ फ्लोइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन, जोनस सार्क ने इसको डेवलप किया था। उसके बाद गुड फॉर हेल्थ कौन सी है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL बोलते हैं। पेसमेकर यूज फॉर ब्रिंगिंग द हार्ट रेट टू द नॉर्मल रेट, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी दैट इज स्किन। द विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इज विटामिन के, विच आर्टिकल गोन द स्पेशल स्टेटस ऑफ GNK दैट इज आर्टिकल 370। तो विच द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज द लेक बैकल, हाउ मेनी बाथर्स कैन गिवन वन ईयर, तो वो 3। जो नेम ऑफ कंटेनर शिप द ब्लॉक्स यूज कैन फ्रॉम अराउंड, ये लेटेस्ट था पिछले साल हुआ था, जो एवरग्रीन उसके नाम है। द ग्लांसिंग आयरन विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स यूज्ड जिंक, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सार्क वाज हेल्ड एट ढाका, द फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट लॉन्च इन स्पेस वाज स्पुटनिक, विच कंट्री एडमिनिस्ट्रेट द निकोबार आइलैंड फ्रॉम ब्रिटिश टू कवर द, ये था डेनमार्क। नेम द ओनली रेलवे स्टेशन विच रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को हेरिटेज, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। विच नंबर ब्रिटिश रॉयल फैमिली पास, अप्रैल 2021 में प्रिंस फिलिप्स पास अवे हो गए थे। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, SpaceX। द ऑर्थिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, थैलेस्कोग्राफी इज द साइंस ऑफ मैरिन लाइफ, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपके साइंसी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन माइक्रोफोन, तो साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिजिक्स से रिलेटेड है। एंगस्ट्रॉम इज मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव, उसके बाद आपका थर्मल एनर्जेशन, वो मैनल शाह ने इसको किया था। ग्रीन गोल्ड टी को बोलते हैं। वाटर सोलिबल विटामिन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, विटामिन सी, रिबोफ्लेविन, निकोसिन। जो प्योर कार्बन कंसिस्ट कितने एटम्स की वो रहती है, तो वह 18 एटम्स की। HTTPS जो एस है वो सिक्योर को इंडिकेट करता, तो सिक्योरिटी लिखेंगे। गूगल मल्टीनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी वाज फाउंडेड इन 1988 बाय सर्जे ब्रिन। स्टोरेज दैट रिमेन
इस डाटा आफ्टर पावर टनल नो नॉर्मल स्टोरेज होती है वो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। सर्जेबल जियोग्राफिकल एरिया विद कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टेलीफोन सिस्टम इज वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर से रिलेटेड आ गए हैं। अब व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज दैट एप्लीकेशन लैंग्वेज विच प्रिंटर यूज कॉम्बिनेशन लेजर बीम इलेक्ट्रोफोटिक जाने तो लेजर प्रिंटर है। 1024 बाइट्स को किलोबाइट्स बोलते हैं। उसके बाद सीपीयू टिपिकली कंस्ट्रक्ट माइक्रोप्रोसेसर से होता है जो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो सीपीयू में लगे होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इन बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल वो रोम है। उसके बाद आपके आ जाते हैं जो परिदर्शक एंड लेटर न्यू इंडिया को ऑपरेट किया था वो बिपिन चंद्र पाल जी ने किया था। उसके बाद नेम ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट हु रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट स्टेट ऑफ इंपीचमेंट एंड वाटरगेट स्कैंडल दैट इज रिचर्ड निक्सन। पुलकिस मैरीकॉम जो 2012 में जो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किस कैटेगरी में जीता था फ्लाई वेट कैटेगरी जो 51 केजी का रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस संतूर प्लेयर्स शिव शंकर शिव कुमार शर्मा हो गए। द नोवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग रिटन बाय अरुणोति रॉय और हु द फर्स्ट वुमन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल इज रायता फैरिया। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं और अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंडियन चैनल दैट इज मिली सेन। टेलर स्विफ्ट एसोसिएटेड विद पॉप म्यूजिक। हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी 99 हेलमुट कोल। और हु अमंग द पर्सन इज कॉल्ड द डेजर्ट फॉक्स दैट इज मार्शल इरविन रोमेल। तो ये थे 150 जेके के क्वेश्चन। तो आपने देखा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर मीडियम था, ज्यादा हार्ड नहीं था, जाना ज्यादा इजी था। नॉर्मल क्वेश्चन आ रखे थे हर फील्ड से रिलेटेड, ज्योग्राफी हिस्ट्री कंप्यूटर इकोनॉमिक्स हर चीज से रिलेटेड था, करंट भी था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, हर चीज इसमें था। मैंने सेट ए सॉल्व करके दिखाया जो क्वेश्चन की सीरीज आगे पीछे हो सकती है बट क्वेश्चन सेम यही रहेंगे। तो ये जो एसएससी 125 अगस्त में जो पेपर हुए 3 अगस्त को उसका मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, उसको सॉल्व करके भी दिखाया। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आप आगे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहता है। अपनी तैयारी इसी प्रकार कर लीजिए, स्टैटिक और करंट दोनों का आता है और हर कैटेगरी को 10-10 क्वेश्चन तो दिए जाते हैं। अगर आप 150 क्वेश्चन नहीं आया तो आपको 75-80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसमें आपको क्लियर करनी है अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं। तो जीके का मेन क्वेश्चन रहता है, अगर आपका आंसर सही है तो गुड विशेज हैं आपके लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट जो आने वाला इंग्लिश का पेपर है, तब तक बने रहिए और मेरे चैनल को रहिए सब्सक्राइब लाइक शेयर। और टिल देन जय हिंद।